स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास 9 के लिए मैथ्स NCERT बुक से। चैप्टर है 4.1, एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मीन्स एक बुक का कीमत दो कलम के बराबर है। कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ टू पेन, है ना। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसको दो वेरिएबल्स में लिखना है टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए टू वेरिएबल वाले इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, तो गिवन है मेरे पास क्या, कॉस्ट ऑफ वन बुक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टू पेन्स। ठीक है, ये दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, तो एक बुक है, नोटबुक है। कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टू पेन्स, ये दिया हुआ है। तो अब इसको हम मान लेते हैं, जो बुक का कॉस्ट कितना है। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू वाई। ये दो वेरिएबल हो गया, एक्स और वाई, टू वेरिएबल्स हो गया। तो अब चूंकि कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, तो वन नोटबुक मीन्स एक्स, कॉस्ट ऑफ वन नोट बुक मीन्स वन नोटबुक का दिया एक्स। ठीक है, वन लिखा और एक्स लिखा, इक्वल टू टू, इक्वल टू टू पेन्स। ठीक है, तो पेन्स कितना है वाई, तो इसको वाई कर दिया। अब एक्स को वन लिखते नहीं है, तो ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, एक्स इजकल टू टू वाई। अब इसको लिखना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। एक्स यहाँ है, टू वाई इधर प्लस है, तो इधर कर दिया इसको, तो ये माइनस हो गया अपोजिट, इधर कुछ नहीं रह गया, यही जीरो रह गया। यही मेरा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हो गया। टू वेरिएबल्स में एक एक्स है, एक वाई है, तो ये क्या हो गया। इसको बनाते हैं ऐसे, लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल्स क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही होता है। तो एक का, एक्स का कोफिशिएंट हो गया वन, बी का कोफिशिएंट हो गया माइनस टू, है ना, और सी मेरे पास कुछ नहीं, तो इसको जीरो मान लेंगे, जीरो है ही, तो यही मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं इसका जवाब दूंगा।